दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ दिस सब्जेक्टिव सेशन। देखो बेटा, इस क्वेश्चन में एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का क्वेश्चन है। देखो, जो 6 मार्क्स के क्वेश्चंस जो अपने पास ऑलमोस्ट फिक्स्ड होते हैं, वो एक एलिमेंट्री ऑपरेशन, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से रिलेटेड होता है। और दूसरा हमारा इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने से होता है, लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन के सिस्टम को सॉल्व करने से होता है। यहाँ अभी हम लोग जो एग्जाम्पल ले रहे हैं वो रो ऑपरेशन से रिलेटेड है। एक्चुअली एलिमेंट्री रो ऑपरेशन होते क्या है उसको रिकॉल करो, तो हमारे पास 3 ऐसे ऑपरेशन हैं, रो ऑपरेशन, जिनको हम लोग बोला करते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। कौन कौन से? तो हम लोग एक काम तो ये करते हैं कि मान लो कि कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, मान लो 2, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो हम लोग करते हैं क्या, एक ऑपरेशन तो अपना ये हुआ कि हम लोग किसी दो रो को इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो कि ये रो वन, ये रो टू, मैं रो वन और रो टू को इंटरचेंज कर दूं, ये रो वन चेंज इनटू रो टू एंड रो टू चेंज इनटू रो वन। कहने का मतलब मैं ऐसा लिखूं 4, 5, 6, 2, 3, 1, 7, 8, 9, तो ये एक एलिमेंट्री ऑपरेशन हुआ। दूसरा ऑपरेशन इससे रिलेटेड ये हो सकता है कि मान लो कि मैं इसका डबल इसमें माइनस कर दूं, क्या R1 का डबल R2 में माइनस कर दूं। तो देखो चेंज इसमें किस में हो रहा है, R2 में हो रहा है, तो पहले R2 लिखो, चेंज टू मतलब R2 चेंजेस इनटू, फिर पहले R2 लिख दो, चेंज होकर के कैसा बन रहा है, तो पहले ये R2 था, अब इसमें से सब्ट्रैक्शन हो जा रहा है R1 का डबल। इसका मतलब अब हम लोग इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, इसका डबल मतलब 4, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, इसका डबल मतलब 6, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे -1, इसका डबल मतलब 2, सब्ट्रैक्ट करेंगे 4। इसी तरह से हम लोग एक तीसरा, ये थर्ड, ये सेकंड ऑपरेशन हुआ, थर्ड ऑपरेशन दैट वन इज वेरी सिंपल वन, कि हम लोग किसी एक रो को चाहे तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मान लो ये रो 3 है, तो रो 3 को मैं चाह रहा हूं कि ये चेंज हो जाए और ये 10 times हो जाए रो 3 का, तो ऐसा मैं कर सकता हूं और तब मैं लिखूंगा 2, 3, 1, 4, 5, 6, 70, 80 and 90। सो दीज आर द 3 ऑपरेशंस विच आर कॉल्ड एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। अब इनके हेल्प से मुझको ये सॉल्यूशन देना है, इसका इनवर्स फाइंड करना है, तो पहले इसका फंडा हम लोग समझ लें, सो दैट हम लोग, मैं समझाने में और आप समझने में सफल हो। देखो ऐसा है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का अगर सॉल्यूशन चाह रहे हैं, तो हम लोग चाहते क्या है कि हम लोग पहले स्टेप में ये लिखते हैं कि a इज इक्वल टू i टाइम्स a। देखो किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दे तो रिजल्ट के रूप में वही मैट्रिक्स होता है। मन में एक क्यूरियोसिटी होगी कि a इज इक्वल टू ai भी तो ऐसा ही होगा, यस ऐसा ही होगा, लेकिन जब आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करते हो तो इसमें जैसे ही आप रो ऑपरेशन करोगे कंडक्ट, तो सेकेंड स्टेप के बाद LHS और RHS इक्वल नहीं होगा। लेकिन जैसे ही अगर आइडेंटिटी एलिमेंट को पहले, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को पहले लिखते हो और उसके बाद A लिखते हो, तो किसी भी स्टेप में तुम चेक करोगे लेफ्ट हैंड साइड का जो मैट्रिक्स है वो राइट हैंड साइड के मैट्रिक्स के इक्वल होगा। इसका मतलब ये कि स्टेप वन में अगर इसके बदले में ये हम लोग लिख दें तो हमारे सॉल्यूशन को देखा ही नहीं जाना चाहिए, एग्जामिनर उस सॉल्यूशन को फिर पढ़ेगा ही नहीं, फिर आपके किसी स्टेप का कोई महत्व नहीं होगा। इसलिए याद रखो कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कभी भी रहे, रो ऑपरेशन कभी भी रहे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स पहले होगा। अगर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन होता, कॉलम ऑपरेशन पहले होता तो हम ऐसा लिखते, अगर कॉलम ऑपरेशन में ऐसा लिख दें तो गलत होगा। यूजुअली अपने पास जो क्वेश्चन है वो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का है, तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में हमेशा a इज इक्वल टू ia लिखेंगे, ऐसा कभी नहीं लिखेंगे। अगर ऐसा लिखेंगे तो सेकंड स्टेप से ही हम गलत कर रहे हैं और सॉल्यूशन चेक नहीं किया जाना चाहिए। इज इट क्लियर? सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दिस स्टेप एंड आफ्टर राइटिंग दिस वन, हम लोग चाहते क्या है कि हम लोग करेंगे क्या कि a मैट्रिक्स लिख देंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लिख देंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लिख देंगे, फिर हम लोग इस a को बस कैरी ओवर करेंगे और इस मैट्रिक्स को हम लोग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस के हेल्प से इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे। जो ऑपरेशन इसमें करेंगे वही ऑपरेशन इस मैट्रिक्स में भी कंडक्ट करेंगे, तो ये जो ऑपरेशन होगा इसमें ऑपरेशन करने के बाद ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो बन जाएगा और ये डिस्टॉर्ट होकर के कोई नया मैट्रिक्स बन जाएगा। मान लो कि वो मैट्रिक्स है बी,
तो अगर ये मैट्रिक्स B है तो B into A, जैसे ही इतना आया तो हम समझ गए कि ये वाला जो मैट्रिक्स है दैट इज इनवर्स ऑफ B। यही अपना फंडा है। फिर से सुनो मैं क्या चाह रहा हूं। पहला स्टेप हम लोग A को IA लिखेंगे, दूसरा स्टेप A को कैरी ओवर करेंगे, इसको छोड़ना नहीं है। उसके बाद तीसरा स्टेप इसमें जितने भी ऑपरेशंस कंडक्ट करेंगे वो इस पर भी कंडक्ट करेंगे। इसको ऑपरेशन कंडक्ट करते समय हमेशा ध्यान देंगे कि ये धीरे धीरे इस फॉर्मेट में आ जाए, आई बन जाए। ये जब काम करेंगे तो ये मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा। ये मान लो एक नया मैट्रिक्स बना, मान लो उसका नाम है बी। जैसे ही इतना होगा तो हम कहेंगे ये वाला मैट्रिक्स ए का इनवर्स है। अब देखो इसमें अपने कुछ स्टेप्स होते हैं जो मैं हर स्टेप के साथ थोड़ा थोड़ा समझाता चलूंगा। ये बड़ा इजी क्वेश्चन होता है, 6 मार्क्स अपना ऑलमोस्ट फिक्स्ड है। जैसे देखो पहले हम लोग ऐसे लिखें A इज इक्वल टू आई इन टू ए। पहले तो नेमिंग कर लेते हैं कि लेट A इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स पहले नेमिंग कर लेते हैं इसका, 2 -3 0 -1 2 1 0। ये लेंथी क्वेश्चन होता है। फिर अगर हम लोग लिखें A इज इक्वल टू आई टाइम्स ए, दैट मीन्स मैट्रिक्स 1 3 -2 -3 0 -1 2 1 0 इज इक्वल टू आई, आई मीन्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इन टू अब मत लिखो उस मैट्रिक्स को, केवल कैरी करो A। इज इट क्लियर? अब देखो बेटा, अब हम लोगों का जो गोल होगा इसमें सबसे पहला दिमाग में लेकर के चलो, मैं यहां रख करके लिखता चलूंगा। पहला स्टेप अपना होगा कि हम लोग कोशिश करेंगे कि इस मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स ए में इस एलिमेंट को हम लोग 1 बनाए, इस एलिमेंट को 1 बनाए, ये चाहे जैसे भी हो इनको हम लोग ध्यान नहीं दें। तो पहले प्लेस पर हमको 1 लाना है, तो पहले प्लेस पर ऑलरेडी यहां 1 है तो ये स्टेप तो कंप्लीट है। लेकिन अगर मान लो नहीं होता तो हम इस स्टेप को 1 लाते, कैसे लाते? वही जो 3 ऑपरेशन है। इस स्टेप के बाद दूसरा काम ये होता कि हम लोग यहां पर जो 1 आता, इस 1 के हेल्प से इस कॉलम के इन दोनों एलिमेंट्स को 0 बनाते। कैसे बनाते? मान लो यहां डबल है, यहां 3 है, तो इसका डबल करके इसमें माइनस कर देंगे, इसका डबल करके इसमें, सॉरी 3 टाइम्स करके इसमें माइनस कर देंगे। कहने का मतलब कि जो सेकंड स्टेप होगा उसमें हम लोग इसको 0 0 करेंगे। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, पहला स्टेप हम लोग A11, ये A11 है, A11 को 1 बनाएंगे उन 3 ऑपरेशंस के हेल्प से। फिर सेकंड स्टेप होगा कि इस कॉलम के बाकी के एलिमेंट्स को हम लोग 0 बनाएंगे इस रो 1 के हेल्प से। तो यहां देखो ऑलरेडी ये 1 है तो एक स्टेप क्लियर है। चलो आगे चलते हैं, इसको हम लोग 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, रो 2 चेंजेस इनटू रो 2 प्लस 3 टाइम्स रो 1। रो 1 का 3 टाइम्स करेंगे तो ये 0 होगा, बाकी पर ध्यान नहीं दो। इसी तरह से रो 3 चेंजेस इनटू रो 3, रो 3 में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें डबल करके माइनस करेंगे तो -2 टाइम्स रो 1। सो अब अपने पास जो रिजल्ट है वो इतना है, ये देखो 1 3 -2, पहला रो तो जैसा था वैसा ही रहेगा। इसके आगे नजर डालो, इसका 3 टाइम्स इसमें सब ऐड करेंगे तो ये होगा, देखो ऐड कर रहे हैं तो ये हो गया 0। इसका 3 टाइम 9 9 को ऐड करेंगे तो 9, इसका 3 टाइम -6 को इसमें ऐड करेंगे तो -7। इसके बाद फिर हम लोग को इस रो का डबल इसमें माइनस करना है, तो इसका डबल मतलब 2 टाइम्स इसमें माइनस करेंगे 0, इसका डबल 6, 1 में माइनस करेंगे तो -5, इसका डबल -4 को इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +4 होगा। यही ऑपरेशन हमको राइट हैंड साइड में भी करना है, तो राइट हैंड साइड में फिर से देखो, ये तो 1 0 0, सेकेंड रो में इसका 3 टाइम्स हम लोगों को ऐड करना था, 3 टाइम्स को ऐड करना था, तो इसका 3 टाइम्स ऐड करेंगे तो 3, इसका 3 टाइम्स ऐड करेंगे तो 1, इसका 3 टाइम्स ऐड करेंगे तो 0। फिर इसमें हमको क्या करना था कि इसके डबल को सब्ट्रैक्ट करना था, तो इसका डबल 2 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे -2, इसके डबल को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, इसके डबल को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1। सो वी हैव दिस रिजल्ट। चलिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, एक काम कंप्लीट हुआ, ये ऐसा अपने पास हो गया। अब हमारा अगला स्टेप जो होगा उस स्टेप में ध्यान रखो डायगोनली चल रहे हैं, इसको अब 1 बनाएंगे। इसको 1 बनाते समय अब इस रो का यूज करना बंद कर देंगे। ध्यान रहे अब हम लोग चाहते हैं कि A22 को 1 बनाए,
लेकिन अब R1 को यूज नहीं करेंगे, इसलिए कि R1 को जैसे ही यूज करोगे ये फिर से जीरो चेंज हो जाएगा। चलो जहां थे हम लोग वहीं पहुंच जाएंगे, पुनः उसको भवा। चलो तो यहां हम लोग ध्यान दें, तो अपने पास ये यहां 9 है, इसको 1 लाना है, इस रो को यूज नहीं करना है। चलो इसमें 10 करके करके इसको 1 बनाते हैं, इसको डबल करके ऐड कर देंगे, माइनस 1 होगा, फिर उस माइनस 1 को हम लोग चेंज कर लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने R2 वो चेंज किया, R2 चेंजेस इनटू R2 प्लस 2R3 सो इट बिकेम नाउ 1, 3, -2, 0। इसका डबल इसमें एडिशन हुआ तो हो गया -1, इसका डबल 8 इसमें एडिशन हो गया तो +1। इज इट क्लियर? 0, -5, 4। यही ऑपरेशन हमको राइट हैंड साइड में भी कंडक्ट करना है। राइट हैंड साइड मतलब क्या करना है मुझको, पहला रो तो जैसे का तैसा, फिर इन द सेकेंड रो, एक्चुअली इन द सेकेंड रो देयर आर सम चेंजेस। तो इस सेकेंड रो में हम लोगों को क्या करना है, देखो बेटा सेकेंड रो में हम लोगों को ये करना है, सेकेंड रो में थर्ड रो का डबल एड करना है। तो इसका डबल -4 इसमें एड करेंगे तो ये हो गया -1, इसका डबल इसमें ऐड करेंगे तो 1, इसका डबल इसमें ऐड करेंगे तो 2, -2, 0, 1। ए भूलना नहीं है। अब देखो बेटा इसमें इसके किसी भी स्टेप में राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आ जाएगा, लेकिन अगर ए पहले लिख दोगे तो नहीं आएगा। चलो इसके आगे देखते हैं, ये अपना -1 तो आया, लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए था यहां 1, तो अब क्या करें माइनस टाइम्स कर दें इसको, तो रो 2 चेंजेस इनटू -1 टाइम्स रो 2। दिस इज वन ऑफ द 3 ऑपरेशंस। तो इतना, अब इसके बाद हम लोग इसको लिखें, कितना हो गया ये 1, 3, -2, 0, 1। ये माइनस का +1, ये -1, 0, -5, 4। अब देखो बेटा ये यही ऑपरेशन राइट हैंड साइड में भी कंडक्ट करना है, ये सेकंड रो पर हो रहा है ये ऑपरेशन, ये माइनस टाइम्स तो 1 हो गया, ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, -2, 0, 1 इनटू ए। देखो ये स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब ये स्टेप कंप्लीट करने के बाद अपना इंटेंशन है कि इस रो के हेल्प से, कौन सा रो, रो 2 के हेल्प से यहां और यहां के एलिमेंट को 0 बनाएंगे। तो यहां और यहां के एलिमेंट को 0 बना करके इसका कुछ टाइम्स ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों में, तो यहां भी 0 हो जाएगा, यहां भी 0 हो जाएगा। चलो वही ऑपरेशन कंडक्ट करने के लिए क्या करना होगा, इसमें इस रो को 3 टाइम्स करके इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, इस रो को 5 टाइम्स करके इसमें ऐड कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। सो डू इट, रो 1 चेंजेस इनटू रो 1 -3 टाइम्स रो 2 and at the same times row 3 changes into row 3 +5 times row 2। ये operation conduct कर रहे हैं हम लोग, तो कितना हो गया देखो, इसका 3 times इसमें हमको subtract करना है, तो 0 का 3 times इसमें subtract करना है तो 1, इसका 3 times इसमें subtract करना है 0, इसका 3 times -3 को इसमें subtract करना है तो -2 + 3, 1। इसका ये काम कंप्लीट, सेकेंड रो में 0, 1, -1, फिर क्या करना था, रो 3 में 5 टाइम्स ऐड करना था, इसका 5 टाइम्स ऐड करना था, तो इसका 5 टाइम्स ऐड करेंगे तो 0, इसका 5 टाइम्स ऐड करेंगे तो 0, इसका 5 टाइम्स इसमें ऐड करेंगे तो -1, इसलिए कि ये -5 होगा, ऐड करेंगे तो -1। राइट हैंड साइड में भी सेम ऑपरेशन कंडक्ट करना है, क्या करना है, रो 1 में चेंज लाना है, इसका 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसका 3 टाइम्स इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 -3 = -2, इसका 3 टाइम्स इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3 का +3, इसका 3 टाइम्स इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -6 का 6। इज इट क्लियर? देखो रो 1 में हम लोगों को रो 2 का 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करना था, तो रो 2 का 3 टाइम्स मतलब इसका 3 टाइम्स हो गया 3, 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 -3 = -2, इसका 3 टाइम्स हो गया -3, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 + 3, इसका 3 टाइम्स -6 हुआ, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +6।
चलो इसके बाद अपने पास ये तो सेम रो रहा, इस रो थ्री में क्या करना था, इसके फाइव टाइम्स को ऐड करना था, इसके फाइव टाइम्स को ऐड करना था, तो इसका फाइव टाइम्स हो गया फाइव, फाइव को इसमें ऐड करोगे तो थ्री, इसके फाइव टाइम्स को इसमें ऐड करोगे तो माइनस फाइव, इसके फाइव टाइम्स मतलब माइनस टेन को इसमें ऐड करोगे, माइनस टेन को वन में ऐड करोगे तो माइनस नाइन, सो इट इज इक्वल टू दिस। अब देखो बेटा ये जो रिजल्ट है वो ऐसा हो गया। अब अपना जो अगला जो स्टेप है वो स्टेप ये है कि हम लोग डायगोनली चल रहे थे, देखो ये यहां से यहां चले, फिर इसको अब हम लोग वन बनाएंगे, इस वाले स्टेप को वन बनाएंगे, मतलब यहां का जो एलिमेंट है इसको हम लोग वन बनाएंगे। लेकिन अब ध्यान रखना कि ना तो रो वन को और ना ही रो टू को, इस दोनों में से किसी को भी यूज नहीं करना है। अगर इस दोनों में से किसी को भी यूज नहीं करना है तो ऑब्वियसली अपने पास जो ऑपरेशंस है उन ऑपरेशंस में सिर्फ एक ऑपरेशन बच जाता है, वो थर्ड वन है कि हम लोग किसी रो या किसी कॉलम को, सॉरी कॉलम नहीं, किसी रो के एलिमेंट्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें किसी दूसरे एलिमेंट से। तो देखो यहां पर माइनस वन है, बड़ा आसान है, इसको तो बड़े आराम से हम लोग अगर माइनस से इस पूरे रो को मल्टीप्लाई कर देन इट विल बिकम प्लस वन, एंड दैट वाज द इंटेंशन, सो डू इट। सो हम लोगों ने क्या किया कि नाउ रो थ्री चेंजेस इनटू माइनस वन टाइम्स रो थ्री, एंड क्लियरली द इंटेंशन इज नाउ वन जीरो वन माइनस वन जीरो जीरो, ये माइनस वन का हो गया वन। फिर अपने पास राइट हैंड साइड में सेम ऑपरेशन कंडक्ट करें तो माइनस टू थ्री सिक्स, माइनस टू थ्री सिक्स, वन माइनस वन माइनस टू, वन माइनस वन माइनस टू, फिर इसको माइनस वन से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस थ्री फाइव, और यहां पर हो गया प्लस नाइन। सो वी हैव दिस काइंड ऑफ रिजल्ट। अब क्या करना है बेटा, कुछ भी नहीं, ये सब कुछ सेट हो गया, ये कॉलम सेट, ये कॉलम सेट, यहां वन, अब क्या करना होगा, बहुत क्लियर है, यू नो इट, आप भी बड़े आराम से इसको हैंडल कर रहे होंगे। अब इस रो थ्री के हेल्प से इस एलिमेंट और इस एलिमेंट को जीरो करेंगे। कैसे जीरो करेंगे, कुछ जो भी यहां लिखा होगा उतना टाइम्स एड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, चूंकि वन बड़ा इजिली हम लोग बहुत हेल्प करता है, इसके हेल्प से हम लोग किसी भी एलिमेंट को जीरो बना सकते हैं। तो नाउ आई एम डूइंग दैट वन, जैसे ही इतना कंप्लीट होगा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। तो चलो इस काम को कंप्लीट किया जाए। इस काम को कंप्लीट करने के लिए हम लोगों को पता है कि क्या करना है, हम लोगों को इस रो को इसमें ऐड कर देंगे तो ये जीरो होगा, इस रो को इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये जीरो होगा, एंड दैट विल बी द फाइनल स्टेप। तो चलो रो वन चेंजेस इनटू रो वन माइनस रो थ्री, एंड एट द सेम टाइम रो टू चेंजेस इनटू रो टू प्लस रो थ्री, ऐसा करते ही ये दोनों एलिमेंट जीरो हो जाएंगे, हम लोग अपने गोल को अचीव कर लेंगे। सो ये इसको इसमें हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वन, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं जीरो, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं जीरो, फिर पहले रो का काम कंप्लीट, सेकेंड रो में थर्ड रो को ऐड करना है, इसको इसमें ऐड करेंगे जीरो, इसको इसमें ऐड करेंगे वन, इसको इसमें ऐड करेंगे जीरो, फिर ये हो गया जीरो जीरो वन। देखो कितना बढ़िया रिजल्ट है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया जो हम लोगों का नीड था। चलिए इसके आगे देखते हैं, यही ऑपरेशन यहां भी कंडक्ट करना है। अगर यहां भी अगर हम लोग ऑपरेशन कंडक्ट करें तो देखो कितना होगा, आई आर वन में से आर थ्री को सब्ट्रैक्ट करना है, R1 में से R3 को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस थ्री हो जाएगा, तो ये हो गया वन, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस टू, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस थ्री। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या था, R2 में R3 को ऐड करना है, इसको इसमें ऐड करेंगे तो कितना होगा माइनस टू, इसको इसमें ऐड करेंगे तो फोर, इसको इसमें ऐड करेंगे तो सेवन, फिर माइनस थ्री फाइव नाइन A, and what we got here, we got I is equal to 1 minus 2 minus 3 minus 2 4 7 minus 3 5 9 A. Clearly we are getting a product of these two matrix is equal to I,
So this will be surely inverse of A. So we can write, hence A inverse is equal to 1 minus 2 minus 3 minus 2 4 7 minus 3 5 9. And this is the answer. I am going to recall the way I did the solution. देखो बेटा कुछ नहीं किया हम लोगों ने. सबसे पहले स्टेप में हम लोगों ने ये सपोज किया कि A इज इक्वल टू आई है. उसके बाद हम लोगों ने A मैट्रिक्स लिख दिया, I मैट्रिक्स लिख दिया, A कैरी ओवर करें. फिर हम लोगों ने क्या किया कि ये जो A 1-1 है इसको 1 बनाने की कोशिश की. तो ये ऑलरेडी 1 है, तो एक स्टेप तो कंप्लीटेड है. इसके लिए हमारे पास तीन एलिमेंट्री ऑपरेशन है, दैट इज ऑलरेडी डिस्कस. थोड़ा रिवाइंड करके उसको एक बार देख लो. तो इसके बाद हम लोग इस रो के हेल्प से इन दोनों एलिमेंट्स को जीरो बनाने के लिए इसका थ्री टाइम्स करके इसमें ऐड करते हैं, इसका ट्वाइस इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं. ये चेंज होता है, ये जैसे ही दो जीरो हो गया इस तरफ, यही ऑपरेशन हम लोग इसके साथ भी कंडक्ट करते हैं. ये जैसे ही हो गया फिर हम लोग करते क्या है कि इस एलिमेंट को वन बनाने की कोशिश करते हैं. लेकिन यहां ध्यान दो कि अब इस रो का हेल्प नहीं लेना है. इस रो का जैसे ही हेल्प लोगे तो ये जीरो फिर चेंज हो जाएगा. तो अब इस रो का हेल्प नहीं लेंगे. तो इसका मैंने किया डबल, इसमें ऐड कर दिया तो ये हो गया माइनस वन. इस माइनस वन को फिर से प्लस बनाने के लिए इस पूरे रो को मैंने माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों पर कंडक्ट किया, ये हो गया वन. अब ये जैसे स्टेज आ गया तो इसके बाद हम लोग करेंगे क्या कि इस रो के हेल्प से इन दोनों एलिमेंट्स को जीरो बनाएंगे. तो इसका थ्री टाइम्स इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसका फाइव टाइम्स इसमें ऐड करेंगे. जैसे ऐसा किया तो ये रिजल्ट आया. यही ऑपरेशन फिर राइट हैंड साइड में भी किया. अब अपना इंटेंशन है कि इसके डायगोनल एलिमेंट मतलब इस तीसरे को A33 को 1 बनाए. यहां ऑलरेडी माइनस 1 है तो हम लोग इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1 होगा. माइंड इट, जैसे ही ये स्टेप आया अपना तो इसके पहले का R1 और R2 जो चेंज होकर के अपने मन का हो चुका है उसमें कोई चेंज नहीं लाएंगे. तो ये दोनों का यूज करना ही नहीं है. तो इसमें एक ही ऑप्शन अपने पास बचेगा, वो ऑप्शन होगा मल्टीप्लीकेशन का. तो चलो इसको हम लोगों ने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया प्लस वन. ये जैसे ही प्लस वन बन गया तो अब इस रो का हेल्प लेंगे और इन दोनों एलिमेंट्स को जीरो बनाएंगे. ये जो एलिमेंट है इसमें वन था तो इस रो को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसमें माइनस वन था तो इस रो को इसमें ऐड कर देंगे, तो ये दोनों जीरो होगा. यही ऑपरेशन राइट हैंड साइड में करते जाएंगे. मतलब राइट हैंड साइड में केवल कॉन्शियस रहना है, अलर्ट रहना है कि एरर नहीं हो. स्टेप्स जो भी होंगे वो लेफ्ट हैंड साइड में होंगे. तो चलो इसको हम लोगों ने इसमें सब्ट्रैक्ट किया, इसमें ऐड किया, देन वी गॉट दिस वन. ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स इनटू ए. इसका मतलब इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इसका इनवर्स ये मैट्रिक्स हुआ. सो आई हैव रिटन हियर. ओके, दिस इज द लेंथी क्वेश्चन बट दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हैव अ प्रैक्टिस ऑफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. एंड नाउ the fifth one, the last question of this session is coming up. Dear students, channel ko subscribe kijiye, bell push kijiye, comment box mein apna comment dijiye, doston ko bhi jodiye aur khush rahiye, dusron ko bhi khush rakhiye. Thank you.